जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आकाश अकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, अगर यदि आप जो है इलेवेंथ में पढ़ रहे हैं और इलेवेंथ में जो है आप साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, वो भी पीसीएम लेकर, तो जो है आपका जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है, मैथ्स का क्लास होगी, तो मैथ्स का सिलेबस भी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो पर आप लोगों को बताया जाएगा कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। और मैथ जो है ना, मैथ आप लोग क्या करिए, इंग्लिश से कीजिए, ठीक है। जो भी दर्ज सोच रहे हैं कि सर हिंदी से कर लेंगे मैथ्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक है, हम दोनों में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इंग्लिश से मैथ्स करोगे इसमें क्या फ़ायदा होगा पता है, अगर आप आगे जाकर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कर लिए, ठीक है, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कर लिए, उसके बाद आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी दर्जी जेई वगैरह देगा वो अलग बात है, जो भी दर्जी ग्रेजुएशन फील्ड में जाएगा तो वहाँ पर हर एक चीज़ क्या होता है, आगे की जो शिक्षा होती है हायर एजुकेशन में, तो आपको वो चीज़ इंग्लिश में रहता है, ठीक है, वो चीज़ किस में रहता है, तो इंग्लिश में रहता है, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि इंग्लिश से कीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हिंदी से भी बता देंगे, ये आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि इंग्लिश से ही मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से भी बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो मैथ्स है, मैथ्स को आप लोग इंग्लिश से कीजिए, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। देखिए, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं लगेगा। देखो, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं ना, जो विद्यार्थी जो है हिंदी मीडियम के हैं, उसको थोड़ा सा टॉप लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग दो महीना कर लोगे ना मैथ इंग्लिश से, तो आपको गजब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोग का मैथ्स का, ठीक है। देखो, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी परिभाषाएँ, जो भी आपका कंसेप्ट होगा, इसका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका डीपीपी डेली दिया जाएगा, डीपीपी कहाँ पर मिलेगा, ये आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। डीपीपी मतलब क्या है, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, डेली आप लोगों को दो चार प्रैक्टिस कर लोगे उसी क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग का मतलब समझ में भी आएगा और प्रॉब्लम बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करवा लेना, और जो भी विद्यार्थी बोलते हैं कि सर सब्सक्राइब तो हमारा दोस्त नहीं है, तो आप लोग क्या करिए, एक दो दोस्त जो आप लोग का जरूर होगा, ये आप लोग गलत बोल रहे हैं कि दोस्त नहीं है, तो कम से कम इलेवेंथ, ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास इलेवेंथ में है, सभी को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट एंड प्यार जिस प्रकार से रहेगा, मैं तैयारी भी करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अभी तक आप लोग जो हमारा चैनल है, नेक्स्ट चैनल जो एमआर आकाश दा, सॉरी, जो हमारा सेकेंड चैनल है एमआर आकाश द एजुकेशन, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस पर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि सिलेबस आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ही डीपली आपको बताऊंगा कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, क्लास इलेवन मैथ में एनसीईआरटी को जो है फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके वहाँ एनसीईआरटी चलता है, तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो क्लास इलेवेंथ का जो पहला जो हमारा चैप्टर है क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है सेट्स, जिसे हम लोग हिंदी से समुच्चय बोलेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है जिसे हम बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एंड फलन, ठीक है, संबंध एवं फलन। उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। उसके बाद आता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिमिट वगैरह सीखना पड़ेगा, ठीक है। लिनियर इनक्वालिटीज, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग टेंथ में थोड़ा बहुत। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आप लोगों को पता जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है कि प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको जानना चाहिए। उसके बाद आता है सिक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्वाइंस सेक्शन, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटिस्टिक, ठीक है, इस प्रकार से कुछ चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आप लोग देख लिए होंगे, चैप्टर आप लोग का क्या है, तो मैंने कंप्लीट जानकारी दिया है। और हम देखिए पहले चैप्टर से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आप लोग का त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि ये आप लोग का टेंथ में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, ये थोड़ा सा टेंथ से क्या है रिलेटेड है, तो इसको ही हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद सभी चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, सेट भी कंप्लीट करवा देंगे, रिलेशन फंक्शन, हर एक चीज़ आपका एनसीईआरटी में कंप्लीट कराने की पूरा पूरी जो कोशिश है वो मैं करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए आप लोग टेंथ के जितने भी फॉर्मूला पढ़े हो, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, मैम रिविज़न भी हो जाएगा और अच्छे हम पढ़ भी लेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर, आठ चैप्टर है ना, तो आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करते हैं और जो है कुछ प्रॉब्लम बना लेते हैं, जो हमारा डीपीपी आएगा, डीपीपी के क्वेश्चंस बना लेते हैं,
तो आप लोग आगे जेई मेन भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है, जेई मेन भी आप लोग फोड़ सकते हो, क्योंकि इसके लिए पढ़ना होगा, इसके लिए थोड़ा हायर एजुकेशन देना होगा आप लोगों को, ठीक है, बस यही, और कुछ नहीं है। जेई बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। खैर जो भी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद।